नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा तितली पैटर्न लाए हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, और ये जितना खूबसूरत है बनाना उतना ही आसान है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालें या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालें, ये बेहद खूबसूरत रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो इस लाइन में हम फंदे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन दिया। डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे, और फिर पहले कलर के ऊन से 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4। तो टोटल हो गए 2 और 3, 5 फंदे। 5 फंदा बुनने के बाद अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन को सामने की तरफ कर देंगे, और फिर प्राइमरी कलर से, मेन कलर से ही हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरे कलर के ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे। ऊन हम थोड़ा ढीला ही रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे, अपनी तरफ करेंगे, और फिर हम अपने मेन कलर से ही 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमारा वर्किंग थ्रेड है, सारी बुनाई हमें इसी से करनी है। सेकेंडरी कलर को सिर्फ हमें आगे और पीछे करना है। 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद हम दूसरे कलर के ऊन को हम सामने की तरफ कर देंगे, और अब हम 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद दूसरे कलर के ऊन को हम अपनी तरफ करें, और अब 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। जब धागा रॉन्ग साइड में होगा तो 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, और जब राइट साइड में होगा तो 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। सारी बुनाई हमें अपने मेन कलर से ही करना है, सेकेंडरी कलर सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए होगा। तो हमने 2, 3, 5 फंदा उल्टा बुन लिया। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद अब हमें अपने सेकेंडरी कलर के ऊन को अपनी तरफ करना पड़ेगा, और अब हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। 3 फंदा उल्टा बुनने के बाद अब दूसरे कलर के ऊन को हम सामने की तरफ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, सामने की तरफ कर देंगे, और अब जब दूसरे कलर का धागा सामने की तरफ होगा तो 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए हम रॉन्ग साइड से बुन रहे हैं, तो 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद दूसरे कलर के ऊन को हम अपनी तरफ कर लेंगे, और देखिए अब हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। उन दूसरी ओर 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। उन अपनी तरफ। अब शेष 5 फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 4 फंदा सीधा बुनने के बाद अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन को अपनी तरफ करेंगे, और फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, और अब 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। ऊन अपनी तरफ, और अब हमें 5 फंदा सीधा बुनना होगा।
पांच फंदा सीधा बुना उन दूसरी तरफ, और अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब उनको अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। उन दूसरी ओर, अब क्योंकि उन बैक साइड में है इसलिए तीन फंदा सीधा। उन अपनी तरफ तो पांच फंदा सीधा, उन दूसरी तरफ तो तीन फंदा सीधा, उन अपनी तरफ पांच फंदा सीधा, उन दूसरी तरफ, और अब लास्ट में पांच फंदे बचे हैं तो सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। इस तरह डिजाइन का दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो तीसरी लाइन पहली लाइन की तरह बुना जाएगा, यानी कि पांच फंदा उल्टा, पांच फंदा उल्टा बुनने के बाद दूसरे कलर के उनको हम सामने की तरफ कर देंगे और फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर तीन फंदा उल्टा, पांच फंदों को छोड़कर इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर, उन जब सामने की तरफ रहेगा तो पांच फंदा उल्टा, उन जब अपनी तरफ रहेगा तो तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी तरफ, अब लास्ट में पांच फंदे बचे हैं तो सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के उनसे पहले फंदे को स्किप कर लेंगे और छह फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ। तो टोटल हो गए सात फंदे, तीन और चार सात फंदे। और देखिए, इस डिजाइन का पांच फंदे थे तो ये तीसरा फंदा यानी मिडिल फंदा। अब इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और तब इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब इसे बाई सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर अपने दूसरे कलर के ऊन से इसी फंदे को एक बार और सीधा बुनेंगे। अब मेन कलर को ऐसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर अपने मेन कलर से सात फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। फिर इसको ऐसे लपेट लेंगे, फिर अपने मेन कलर से ही चार फंदा और सीधा बुनेंगे। तो देखिए, इस डिजाइन के हम सेंटर फंदे यानी तीसरे फंदे पर पहुंच चुके हैं। अब इसे बुनने के लिए हमें इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई डालना है और इस फंदे को मेन कलर से ही सीधा बुन लेना है। इसे निकाला, बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी फंदे को एक बार हम दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे, ऐसे टाइट करेंगे। अब फिर हमें सात फंदे को सीधा बुनना है, एक दो तीन। फंदा बुनने के बाद ऐसे हम इस फंदे को ऐसे लपेट लेंगे ताकि ये उंगली में ना फंसे। फिर चार फंदा हम और बुन लेंगे, तो ये हो गए सात फंदे, तीन और चार सात फंदे। अब आठवें फंदे को बुनने के लिए हमें इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई डालना होगा और फिर इसे हम अपने मेन धागे से ही
सीधा बुन लेंगे। सिलाई को धागों के नीचे से निकालेंगे, इसे बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी फंदे को एक बार अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। अब इस धागे को ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तो ये देखिए खूबसूरत सी तितली की तरह बन जाएगा। अब फिर हमें सात फंदा सीधा बुनना है। तो हो गए सात फंदे। आठवें फंदे को हमें इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई डालना है और फिर इसे सीधा बुन लेना है। फिर ऐसे निकालेंगे, फिर इसे बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे और इसी फंदे को एक बार हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से भी सीधा बुनेंगे। अब इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर सात फंदा सीधा। लास्ट में सात फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। पांचवी लाइन में हम मेन कलर से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और छठी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सातवीं लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब अपने हम सेकेंडरी कलर के उनको सामने की तरफ कर देंगे और फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। पांच फंदा उल्टा बुनने के बाद सेकेंडरी कलर के उनको हम अपनी तरफ करेंगे और फिर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे उन दूसरी तरफ। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब उन चूंकि सामने की तरफ है इसलिए हमें पांच फंदों को उल्टा बुनना होगा। उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे उन दूसरी तरफ। अब हम पांच फंदा उल्टा बुनेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर तीन फंदा उल्टा। इन्हीं आठ फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में छह फंदे बचेंगे उन दूसरी तरफ है, यानी कि पांच फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। और अब हम दूसरे कलर के ऊन को अपनी तरफ करके लास्ट फंदा एज स्टिच इसे हम सीधा उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का आठवां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों थ्रेड को हम यूं ऐसे घुमा देंगे। अब दूसरे कलर के ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदा सीधा। एक, दो, तीन, चार, पांच। उनको दूसरी ओर करेंगे और फिर तीन फंदा सीधा। एक, दो, तीन। उनको अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन सामने की तरफ है, यानी पांच फंदों को सीधा बुनेंगे उन उल्टी तरफ है, यानी कि तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है। एक, दो, तीन। उन सामने की तरफ तो पांच फंदों को सीधा बुनना है। उन पीछे की तरफ तो तीन फंदों को सीधा बुनेंगे। इन्हीं आठ फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आठवां लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड और ये डिज़ाइन का नाइन्थ रो है, नवा लाइन है। अब
पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को हमें ऐसे घुमा लेना है। दूसरे कलर के ऊन को हम सामने की तरफ कर देंगे और पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, ऊन सामने की तरफ, पांच फंदा उल्टा। नाइन्थ रो सेवेंथ रो की तरह बुना जाएगा। ऊन रॉन्ग साइड में तो तीन फंदा उल्टा। इन्हीं आठ फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो और सामने से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, तो ये टोटल तीन फंदे हो गए। चौथे फंदे को बुनने से पहले हम सिलाई को इन तीन फंदों के नीचे से ऐसे ले जाएंगे और चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब सिलाई को वापस तीन फंदों के नीचे से निकालेंगे और इस फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ाकर इसी फंदे को एक बार और हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब अपने वर्किंग थ्रेड को ऐसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर सात फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। अब ऐसे इन दोनों धागों को ऐसे लपेट लेंगे, फिर चार फंदा और सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। तो देखिए ये हो गए सात फंदे। सात फंदा बुनने के बाद फिर आठवें फंदे को बुनने के लिए हमें इन तीनों धागों के नीचे से सिलाई ले जाना है और आठवें फंदे को हमें सीधा बुनना है। सीधा बुन लिया, धागे के नीचे से ऐसे सिलाई निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी फंदे को हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, देखिए ये तितली की तरह बन जाएगा। अब वर्किंग थ्रेड को हम थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे, फिर सात फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदा बुनने के बाद ऐसे इसे हम ऐसे घुमा लेंगे ताकि ये लिपट जाए, जिससे पहनने में इसमें उंगली ना फंसे। फिर चार फंदा और सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। तो ये हो गए टोटल सात फंदे। आठवें फंदे को बुनने के लिए इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और आठवें फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर सिलाई को ऐसे धागों के नीचे से निकाल लेंगे, जिससे ये तितली की तरह बन जाएगा। अब इस फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और इसी फंदे को हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब ये चूंकि देखिए ये ढीला हो गया है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे और फिर सात फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दसवां लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। अब ग्यारहवें लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और बारहवीं लाइन में सभी फंदों को सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, बारह लाइन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन और डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत है और बनाना बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।